बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, अभी हल्की हो गई है। और अभी हम लोगों ने चलास में जो है वो स्टे किया था, और अब जो है हम लोग जा रहे हैं हुंजा की तरफ। पहले बीच में जितने भी स्पॉट्स आएंगे पिकनिक के, घूमने के, देखने के, पहाड़ होंगे देखते हुए, हम लोग फिर आगे जाएंगे हुंजा की तरफ, फिर वहाँ से हमारा बाकी जो ट्रिप होगा वो शुरू होगा। सब बच्चे तैयार हैं, सब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट पे, ब्रेकफास्ट करके आएंगे इंशाल्लाह, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जी व्यूअर्स, अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और देख सकते हैं बारिश हो रही है। अब चलास में जो है वो ऐसे ही छोटे छोटे रेस्टोरेंट होटल्स हैं, तो वाह ये चलास है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है यहाँ पर। जी बस ये चलास है जो कि मैं अभी आप लोगों को बाहर से दिखा रही हूँ। यहाँ का व्यू है, तो बाहर का व्यू भी आप लोगों को दिखा दिया। और अभी जो है वो मैं, हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी जो हमारा सामान था वो ऊपर वैन के ऊपर लोड हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो रात का स्टे था तो सारा सामान नीचे उतारा था। अभी वो लोग जो है वो सारा सामान जो है लोड कर जी भी बस। तो अभी हम लोग जो है वो चिलास से बाहर निकल आए हैं। ये चेक पोस्ट है चिलास का, उस साइड से जो है वो हम नारायण कागान से होते हुए यहाँ चिलास में स्टे किया था। अब हम दूसरी साइड पे, जो हुंजा की साइड पे हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से जो है वो चिलास आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हुंजा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ के पहाड़, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं, और बहुत ही इंजॉय करते हुए गाड़ी के अंदर, वैन के अंदर जो है सब मौज मस्ती करते हुए जी भी बस। तो हर तरफ जिस तरफ आप देखेंगे आपको अल्लाह की कुदरत नज़र आएगी। बड़े बड़े पहाड़, और पहाड़ों के बीच में से जो है वो दरिया, नदियाँ निकलते हुए, समझ नहीं आ रही थी कि पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है और कहाँ जाके मिल रहा है। और माशाल्लाह हुंजा के जो है रोड भी बहुत अच्छे थे, और कहीं कहीं कुछ रोड ख़राब थे, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो रोड सही थे हुंजा के। और पहाड़ आप देखेंगे, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, वो ब्राउन कलर के जैसे होता है ना कि घास, मतलब उसके ऊपर हरियाली नहीं थी, लेकिन बड़े ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े पत्थर टाइप के जो है वो इतने ऊंचे थे कि जहाँ तक नज़र जा रही थी ना हमारी, वहाँ तक वो पहाड़ी पहाड़ दिख रहे थे। और पहाड़ों के बीच में से जो है वो रास्ता बनाया हुआ है। अभी यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्टे किया है, क्योंकि कुछ पीछे से मसला चल रहा था किसी वैन के साथ, तो उन्होंने सारी वैन जो हैं वो यहाँ पे रोकी हुई हैं। बस फिर वहाँ से हम चल पड़े, और यहाँ सामने से पुल आ रहा था, उसके नीचे से आप पानी का बहाव देख रहे हैं कि इतनी तेज़ी से पानी का बहाव आ रहा है कि पानी उबल उबल कर ऊपर आ रहा था, और जैसे उछल रहा था बहुत ज़्यादा। बहरहाल इंजॉय हमने किया, और इंजॉय करते हुए जा रहे थे, और वैन में भी मौज मस्ती, गाने, और बस हम लोग मज़ा करते हुए जा रहे थे। और पहाड़ भी जो है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे थे, और पहाड़ों के बीच में से पता नहीं कहाँ से जो है ना वो पानी निकल निकल कर आ रहा था। और आप अभी आप देख सकते हैं कि कहीं से कोई दरिया आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन पानी जो है ना वो बस कहीं से निकल रहा है, पहाड़ों के बीच से जा रहा है।
जी व्यूवर्स, तो अभी हम जो है वो नलतरवेरी में आ गए हैं। ये उसका गांव है नोवेल, और यहाँ से हम नलतर वैली जाएंगे। और हमने ये पिजारो हमने करवाई है, किसी ने जीप करवाई थी, क्योंकि ऊपर जो है वो रास्ता बहुत डेंजरस है, जिसकी वजह से हमें जीप करवानी पड़ी और अब हम लोग जा रहे हैं। अब आएगा, अरे बाबा आएगा। हाँ पहाड़ आ चुके पॉइंट फाइव। ओए होए मामा, ये वाली वीडियो डालना, ये जो मेहमानी के रूम उससे बना रहे, इस उधर से कुछ नहीं आ रहा होगा। चलो नलता वैली में बना लेंगे, एक ही बार उतरेंगे, वरना तो पता भी है लंबी होगी, फिर आएगी, फिर दोबारा सोने की डिमांड करेगी। जूते दोबारा, फोन मेरे पास है, चल रहे वैसा चल रही है। मैं 2.05 पे बना रही हूँ, स्वाद ऐसा नहीं था, स्वाद ऐसा नहीं। ये अलग ही चीज़ है कोई यहाँ पे ना। आई लाइक दिस प्लेस मोर देन सवार। जी व्यूअर्स, तो अभी आप रास्ता देख ही रहे हैं कि हम पानी के ऊपर से भी जा रहे हैं और पत्थरों के ऊपर से भी जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ड्राइवर था उसने भी बताया कि 2 दिन पहले जो है यहाँ पे पत्थरों वाला जो है ना सैलाब आया था, और जिससे रोड और जो है ना सब कुछ बह गया है। जी व्यूअर्स, अभी हम लोग पहुँच गए हैं नलतर वैली, बहुत ही खूबसूरत है। इधर छोटी छोटी बकरियाँ जो है आप देख सकते हैं, ये पत्ते छत्ते खा रही हैं। बहुत ही मुश्किल रास्ता था जो हम वहाँ से यहाँ करके आए हैं, बहुत ही मुश्किल रास्ता था। ये अभी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ यहाँ की खूबसूरती। ओहो हो, सबसे पहले तो हम नोवेल पे आए थे। नोवेल से जो है वो हम घूम के वहाँ से हमने ये लैंड क्रूजर करवाई, फिर वहाँ से जी हम नलतर वैली आए। भाई इसको पकड़ो यार, ये आप देख सकते हैं खूबसूरती। इरा नहीं जाना बेटा उधर, नहीं अभी नहीं जाना, बाद में जाना बकरी के पास। जी बस ये आप देखें नलतर वैली, ओए आप लोगों के लिए देखे कहाँ कहाँ पहुँचे गए हम। गिरोगी गिरोगी इरा। जी व्यूअर्स, तो ये है नलतर वैली, और यहाँ पे सब जो है वो अपने अपनी वीडियोस बना रहा था, कोई अपनी तस्वीरें खींच रहा था। और पहाड़ों के बीच में से आप ये देखेंगे एक नदी सी है, और इतना पानी उसका साफ ब्लू कलर का था, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, और बीच में ये एक बहुत ही खूबसूरत थी। और यकीन करें जब हम यहाँ पहुँचे हैं ना, जब यहाँ हमने अपनी वीडियोस बनाई हैं, यकीन करें अल्लाह अल्लाह ने जो बनाई है ना चीज़ें, उसके ऊपर बस दिल बाग हो गया। बस दिल चाह रहा था कि वहाँ बैठे रहें, तस्वीरें खींचते रहें, और अल्लाह के जो नज़ारे हैं ना, पहाड़, पानी, पौधे, पत्थर, मतलब वो दिल चाह रहा था कि बस हम देखते रहें और अपनी वीडियोस बनाते रहें और आप लोग तक पहुंचाते रहें। बहरहाल हमें 2-3 जगह और भी जाना था, तो हमने यहाँ से जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे थे कि हम लोग अपनी वीडियोस और तमाम तस्वीरें वगैरह जो हैं वो हम बना लें, और यहाँ की जो खूबसूरती है वो आप लोगों तक पहुँचाएँ, और आप लोग इसको देखें कि अल्लाह मियाँ ने पहाड़ों के बीच में किस तरह पानी रखा हुआ है। आ रही है, चलो हम बैठते
जी व्यूवर्स, अभी यहाँ से तो हम फ्री हो गए हैं, अभी हम लोग दूसरे पिकनिक पॉइंट पे जा रहे हैं। देखते हैं यार, एक साथ फैमिली की आना खिंचवा लें, खिंचवा लें। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे फिर हमने अपनी पूरे फैमिली का जो ग्रुप था, हमने बहुत ही अच्छी अच्छी तस्वीरें यहाँ पे निकाली, तो बहुत सारी हैं तस्वीरें हम लोगों ने। जी व्यूअर्स, अभी हम जा रहे हैं, ये नलतर वैली थी, आप देखें बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत। चलो चलो बैठो, शाबाश, हरी आप, चलो पहले पीछे वाले जाएं। A few moments later. हाँ जी, वो पीछे रानी है इधर खड़े हो, वो छोटी है पीछे, वाइट सारी बर्फ आ रही है। जी व्यूअर्स, ये जो है अभी हम सतरंगी लेक पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही खूबसूरती है। अभी नीचे जा रहे हैं और नीचे जाके आपको वहाँ का पानी दिखा रही हूँ। वहाँ पे कह रहे हैं कि सात रंग का पानी होता है, अब मुझे नहीं पता कि कितने रंग के पानी है, लेकिन बहरहाल यहाँ का व्यू ज़बरदस्त है। व्यू देखो, और बस व्यू देखें आप, व्यू चेक करो, ओहो। बस ये अभी हम नीचे झील पे आ गए हैं जो सतरंगी है, देखते हैं यहाँ पे कितने रंग नजर आते हैं झील में। जी व्यूअर्स, तो ये लेक भी बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी कि अल्लाह मियाँ ने किस खूबसूरती से इस इलाके को और इस झील को और इन पहाड़ों को बनाया है। बहरहाल यहाँ आके भी ना बहुत ही अच्छा लगा हमें, और बहुत ही अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाई, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई। मैं तो आप लोगों के लिए जो है ना दूर से करीब से वीडियोस बना रही थी, बहरहाल बच्चे जो है वो अपनी तस्वीरें खींच रहे थे, मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रही थी। यहाँ पर वीडियो क्योंकि इसमें कैप्चर नहीं हुआ, कलर्स नहीं हुए, क्योंकि जा रहे वहाँ पे कोई बोट वगैरह तो थी नहीं कि मैं करीब जाके आप लोगों को दिखाती। यहाँ से दूर से मैंने जब जो है ना कोशिश की लेने की, क्योंकि हमें काफ़ी कलर्स नज़र आ रहे थे, कहीं डार्क नज़र आ रहे थे, कहीं लाइट नज़र आ रहे थे, पहाड़ों में ग्लेशियर्स नज़र आ रहे थे, ऊपर से बादल टकराते हुए जो है ना बहुत ही जो है ना जिसे कहते हैं ना कि बस दिल चाह रहा था कि यहीं बैठे रहे, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत ही कम था क्योंकि हमें आगे भी जाना था, क्योंकि जो हमारा ड्राइवर था उसने कहा था कि नलतर वैली जो है, यहाँ से नलतर वैली से हमें निगार वैली जाना है। तो ये सतरंगी हमने देखी, फिर आगे जो है वो अब हम यहाँ से फिर हम निगार वैली जाएंगे। बहरहाल मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, और हमने तो बहुत ही एंजॉय किया बहरहाल, लेकिन आप लोगों के लिए भी मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे सीन कैप्चर किए हैं, देखिएगा और इसको लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। बस अभी हम लोग जो है ये सतरंगी लेक से हम लोग जा रहे हैं एक और पॉइंट पर, तो बस थोड़ा थोड़ा हम स्टे कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे यही सीनरियाँ होती हैं, रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम लोग बस हिलते जुलते धक्के खाते हुए बाबे कूदते हुए जो है वो हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं, और अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे बैठना है बाबा साहब, या मेरे पास आ जाओ आगे बेटा। जी व्यवस्था, नलतर वैली जो है वो लास्ट पॉइंट था, यानी कि जीरो पॉइंट था वहाँ पे,
और उसके आगे कुछ भी नहीं था, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। बहरहाल अभी जो है वो हम लोग निकल गए हैं दूसरे पॉइंट के लिए, और कोशिश की मैंने अंदर बनाने की लेकिन मुझसे नहीं बनी, कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था, नहीं बन पाई। पत्थर आगे पड़ा हुआ है, वो हटा रहा है इस पानी के ऊपर से, अभी ये लेके जाएगा जी। आए भी इधर से थे जी बस। तो नलतर वैली नोवल से लेके नलतर वैली तक जो है वो हमें तकरीबन 4 घंटे आने के और 4 घंटे ही जाने के लग रहे थे जी बस। अभी हम निगार वैली पहुँचे, बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है। माय गॉड, पाकिस्तान की ब्यूटी तो आप यहाँ आके देखें भाई। सवाद भी हमने देखा लेकिन क्या खूबसूरती है यहाँ की, ज़बरदस्त। वाह, चोटी पे देखें आप, मैं खाऊंगी हाँ। बर्फ जमी हुई है, ग्लेशियर्स देखें कितने वाइट वाइट आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ इस रास्ते से हम आए हैं, आप देखें जरा, अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आबशार आपको दिखाती हूँ, वो आबशार बह रही है देखें। नहीं करो यार, वाह मैं तुम्हें अब पकड़ूं, क्या खूबसूरती है यार। जी भी बस, यहाँ जब हम पहुँचे हैं ना, यकीन करें देख के तो बस मैं कह रही हूँ दिल खुश हो गया। जो दो हम घूम कर आ रहे थे, ये थर्ड वाली पे जो है ना, बहुत ही यानी कि चारों तरफ पहाड़, ग्रीनरी, पानी नहीं था यहाँ पे, दूर कहीं नदी बह रही थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत पॉइंट। जी व्यूवर्स, तो मैं जो है वो बहुत अच्छी वीडियोस ले रही थी, फिर अपनी भी ले रही थी, बच्चे जो है वो अपनी अपनी वीडियोस में लगे हुए थे क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है पोस्ट करनी थी, तो उन्होंने बहुत ही अपनी अलग अलग जो है वो अरीबा सब की वीडियोस एंड तस्वीरें, अपनी भी वीडियोस और तस्वीरें और पहाड़ों की सब जो है वो कैप्चर भी कर रही थी, अपनी भी खींच रही थी, और मैं जो है वो आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही थी। बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं माशाल्लाह। पहाड़ आप देखें, कहीं एक पहाड़ पे ग्रीनरी है तो एक पहाड़ बिल्कुल समझे कि बादलों से भरा हुआ और ग्लेशियर से भरा हुआ हमें दिखा। बहुत ही मज़ा आया, और इस वैली में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो दिल कर रहा था कि बस अब यहाँ पे हम बैठ जाएं, लेकिन आपको पता है कि हमें फिर नीचे वहाँ पे अपने पॉइंट पे पहुँचना था, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो है वो दूसरे जो मेंबर्स थे वो सारे हमारा वहाँ पे जो है वो वेट कर रहे होंगे। तो हम जल्दी जल्दी है जो है वो अपनी तस्वीरें और वीडियोस वगैरह बना रहे थे। बस अभी हम लोग जो है वो ऊपर जा रहे हैं, और वहाँ पे जाके जो है वो कुछ चाय और चिप्स पकोड़े वगैरह जो है वो शायद बनवाए हैं, तो वो खाने के लिए जा रहे हैं। जी व्यूअर्स, खूबसूरती देखें आप पाकिस्तान की, ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, वाह बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। बनाया क्या, अल्लाह मियाँ ने बनाया, लेकिन लोगों ने भी बहुत अच्छे अच्छे घर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई हैं। हम यहाँ रिजॉर्ट पे आए हैं ऊपर, और यहाँ पे अभी बाहर क्योंकि बहुत ठंड है, तो अब हम थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं। ठंड हो रही है ना, आने खा पी के फिर बाहर से जाना है। इन्होंने सारा लकड़ी लगाया हुआ है बेटा, इसके ऊपर आने इसको कीले लगी हुई है। इधर आ बेटा,
अब वो नीचे ही बैठी हैं। वो तस्वीरें खींच रही है। नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ बाहर नहीं जाना। नहीं जा। इस तरह नहीं। जो है ना बना रही। ओके। इरा कह दो बहुत गर्म है। हाँ लो ना यार मिक्स होके। केचप उधर ही तो पड़ा हुआ है। बड़ा अच्छा बनना निकला हमारा तो वाला जो है ना उसको पता है ना यहाँ की चीजें। अब चीनी पे आ गई है वो बेटा। आप चीनी नहीं है चीनी पड़ी हुई है अभी तो मैं चार चीनी यार चाय। थैंक यू। ये है ना चाय जी बस हमारी चाय भी आ चुकी है। देखो मेरी आइसक्रीम और अब हम मजे ठंड ठंड में चाय पियेंगे जी व्यूअर्स। तो चाय बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की यानी कि दूध वाली अच्छी सी चाय बनी हुई थी। हमने फिर यहाँ से सारा वाइंड अप करके हम लोग बाहर आ गए और बाहर जी तो क्योंकि बहुत ऊंचा था तो चांद भी नज़र आ रहा था। महरम स्टार्ट हो चुका था तो यहाँ पे भी बच्चों ने जो है वो अपनी थोड़ी सी तस्वीरें थोड़ी सी वीडियोस बनानी और मैंने भी ऊपर थोड़ा सा जाके और वीडियोस बनाई और दूर से करीब से जैसे भी हो सका मैंने आप लोगों के लिए जो है ना बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं। अपनी मैं इसलिए नहीं बना रही सिर्फ आप लोग को अल्लाह के नज़ारे दिखाने। देखें व्यूअर्स कितना यहाँ से है और काफ़ी ऊँचाई पर है यहाँ पर और माशाल्लाह यहाँ पर जो हट्स वगैरह और स्टे करने की जो जगह बनी हुई है ना आप देखें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बनी हुई है। जा रहे हैं वैसे दिल नहीं चाह रहा इतना खूबसूरत यहाँ का व्यू है ना कि बस बहुत ही मज़े का व्यू है जी भी। बस तो चाय पी ली चिप्स खा लिए पानी पी लिया फ्रेश हो गए अब जो है हम यहाँ से जा रहे हैं कोस्टर पे तो फिर जो है वो जाएंगे सीधा हुंजा तो फिर मिलते हैं हुंजा पे जी व्यूअर्स। तो अभी हम लोग जो है वो जीप में बैठ के अपने पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ हमारी पोस्टर खड़ी हुई है नोविल पे और ये पार्ट वन है। पार्ट टू अभी मैं बाद में अपलोड करूँगी क्योंकि वीडियो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई है और अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और इसका पार्ट टू ज़रूर देखिएगा हुंजा का।